जवान ज्योति अमर जवान यहाँ पर जितने भी राजस्थानी सोल्जर्स हैं ओके और जिन्होंने अपने इंडिया के लिए सर्व किया है जी और उनके बारे में लिखा हुआ है बहुत प्यारा है यार ये पूरा कवर्ड होता है और पिंक कलर से स्टार्ट होता है और अच्छा ये भी एक डिफाइन करता है कि पिंक सिटी को जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं तो ये भी पिंक है हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आपका दोस्त खान वेस्ट और नई वीडियो आपके लिए पेश है और जिस दिन आप वीडियो देखोगे तो दिवाली होगा तो आपके लिए हैप्पी दिवाली मेरे तरफ से आपको और आपकी फैमिली को और इतना बड़ा चैनल बनाने के लिए। अभी यहाँ पे गो स्टॉप पे देख सकते हो प्रिपरेशन हो रहा दिवाली का। अभी इसके पहले हम बाहर जा रहे हैं, मेरा दोस्त ये यहीं पर मिला और ये हर्ष भाई भी हैं वो भी साथ में जा रहे हैं हम लोग कुछ खाना खाने साथ में गोप्रो सब कैरी कर लिया। चलो भाई आप हाय बोल दो मेरे सब्सक्राइबर को। हेलो इधर लाइट अच्छी आ रही है। ये हर्ष भाई हैं ये जयपुर के। हैप्पी दिवाली टू ऑल। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। और चलते हैं हर्ष भाई। ये लोग कुछ सामान लेने गए हैं तो मैं गाड़ी में आराम कर रहा हूँ। यहाँ पे हर्ष भाई बता रहे हैं कि वो राइट साइड में सामने स्ट्रेट विधानसभा देख सकते हो आप। ऑन योर लेफ्ट देयर इज एसएमएस स्टेडियम। कहाँ पे? आपके लेफ्ट में एसएमएस स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम। अच्छा यही है? यही है जहाँ पे भैया यहाँ पे गाड़ी लगा सकते हो हल्के से? हाँ क्यों नहीं लगाएंगे, गाड़ी के लिए बात कर लेते हैं। गाड़ी तो है ही अपनी, मजा आएगा। क्यों नहीं? ये जंतर मंतर है? नहीं ये जंतर, अरे नहीं ये जंतर मंतर नहीं है, ऐसा दिखने में लग रहा है। अमर जवान ज्योति है यहाँ पर। गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये कौन सा जगह भैया? ये अमर जवान ज्योति। अमर जवान ज्योति यहाँ पर जितने भी राजस्थानी सोल्जर्स हैं ओके और जिन्होंने अपने इंडिया के लिए सर्व किया है जी और उनके बारे में लिखा हुआ है। बहुत प्यारा है यार ये पूरा कवर्ड होता है और पिंक कलर से स्टार्ट होता है। और अच्छा ये भी एक डिफाइन करता है कि पिंक सिटी को जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं तो ये भी पिंक है देखने में लग रहा है। बेसिकली पिंक सिटी इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर जो भी आर्किटेक्चर बनाया हुआ है ना वो सारा का सारा पिंक स्टोन से बना है ओके तो इसीलिए इसको पिंक सिटी बोलते हैं। चलो यार बहुत अच्छी जगह। और ये राइट साइड में विधानसभा है? हाँ बिल्कुल स्ट्रेट में विधानसभा है। विधानसभा है और ये आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक करने के बैक के अंदर आपका स्टेडियम है। अच्छा इसी के पीछे स्टेडियम है? इंटरनेशनल मैच होता है? इंटरनेशनल होता है। कौन सा? सारे इंटरनेशनल होते हैं। कौन से स्टेडियम है ये? ये एसएमएस स्टेडियम। अच्छा एसएमएस स्टेडियम जयपुर का यही है? हाँ इसके पीछे मतलब पूरा। इसके जस्ट पीछे है। उसमें अपना प्रो कबड्डी लीग भी होती है। अच्छा तो कबड्डी का उसमें इंडोर स्टेडियम भी है अंदर। तो गाइस ये काम है, अगर जब भी आओ जयपुर आप इनसे कॉन्टेक्ट कर लेना। हर्ष भाई है, इंस्टाग्राम आपका? मेरा इंस्टाग्राम है harsh_acefit और ये आपको घुमा भी देंगे अच्छे से और आपको फिटनेस वाला भी कुछ सिखा देंगे। फिटनेस का भी आप ले सकते हो, इसलिए अगर एक लोकल मिल जाता है यहाँ का तो मज़ा आ जाता है। और हम लोग गो स्टॉप पे भी मिले हैं, हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो गई, इतनी अच्छी। लाइक इज ऑल लाइक। और हर्ष भाई हैप्पी दिवाली आपको भी। हर्ष भाई सबको, आप सबको जो भी ये वीडियो देखेंगे उन सबको हम सबकी तरफ से हैप्पी दिवाली। खूब खुशियाँ बनाएं, खूब थोड़ा क्वालिटी से आप क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर। अभी थोड़ा सा नाइट लाइट है ना इस वजह से चलेगा। इट्स ओके। चले इंडिया के अंदर मेरे हिसाब से इसके ऐसा शहर भी नहीं है। सही है, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, रूट्स मिलेंगे, कल्चर मिलेगा, हेरिटेज मिलेगा, कंक्रीट सिटी पूरा मिलेगा, नया सब कुछ मिलेगा यहाँ। नहीं सच में, नहीं जितना भी अभी छोड़ा घूमा ना। अभी मैं आपको एक ज्वेलरी शॉप दिखाता हूँ तो काफ़ी खूबसूरत ज्वेलरी शॉप है यहाँ का, बहुत फेमस है। इतना बड़ा आउटलेट तो मैं देखा ही नहीं भाई ज्वेलरी का। ये डेकोरेशन है इसका? ये हमेशा रहती है ऐसे ही रहता है? हाँ। यहाँ का यूनिक है समझ से वो, बहुत प्यारा है भैया। ये हर्ष भाई ने बताया यहाँ का फेमस है शॉप। अरे भाई इतना खूबसूरत देख रहे हो, कितना वो नेक। चलो क्या सिटी है ये। कौन से रोड पे चल रहे हैं हर्ष भाई? ये टॉक रोड है। कौन सा रोड? टॉक रोड। टॉक टॉक रोड टॉक एक जयपुर के पास सिटी है छोटा सा, तो ये रोड टॉक को कनेक्ट करता है। अब आपके लेफ्ट हैंड पे
अर्जुन आएंगे महाभारत वाले, अर्जुन वाले आज रात में पूरा चीज दिखा दोगे कि आज ही? नहीं, ये सब कुछ देखो ये थोड़े, हाँ नाइट लैंप है यार, काफी ज्यादा क्षति लग रहा। नगर निगम ये गेट जयपुर है, ये SMS स्टेडियम का बैक है, ये हम जो हम दिखा रहे थे वो फ्रंट था और ये बैक है SMS स्टेडियम का। अर्जुन है आप? ओके, ये अर्जुन, यही अर्जुन जी? जी यही अर्जुन, महाभारत वाले। सही से कैप्चर हो रहे हैं कि नहीं? चलो बहुत अच्छा, धीरे धीरे गाड़ी से ही घूम सकते हो आप अगर चाहो तो। ये क्या बनाया भैया यहाँ पे? रूट कंजेस्टेड नहीं है? कंजेस्टेड नहीं है, बहुत सिस्टमेटिक बना है यहाँ का, वो मुझे पसंद आया। ये सब चीज़ें देख रहे हैं कितना सिस्टमेटिक है। एक और चीज़ दिखाते हैं, चलो आपको पास ही है, फिर वापस आपको आना नहीं पड़ेगा। अभी तक आपने सब कुछ पिंक पिंक देखा था, अब आपको व्हाइट दिखाते हैं। क्या है व्हाइट वाला रहेगा? कुछ व्हाइट होना चाहिए ना लाइफ में। सर्किल है ना? स्टैचू सर्किल है। ओके, आपके लेफ्ट हैंड पर बिरला ऑडिटोरियम है यहाँ। ये बिरला ऑडिटोरियम है लेफ्ट में? बहुत ये प्यारा, ये भी ये ओपन होता है बट अभी शायद। इसमें क्या होता है भैया? इसमें आपको जितना भी अपना क्या बोलते हैं उसको, गैलेक्सी के बारे में सारी चीजें बताई जाती है। ये एक चीज मुझे अच्छा लगा, यहाँ का रोड बहुत खूबसूरत है, सिस्टमैटिक है और लॉन्ग है। दिल्ली से मैच करता है। दिल्ली में तो यार इतना ट्रैफिक है ना, यहाँ ट्रैफिक कुछ नहीं, यहाँ भी ट्रैफिक है। ये दिवाली है, सब पूजा कर रहे हैं, ये टाइम ऐसा है, इसीलिए रूट खाली है। अभी आप एक, अभी 8:30 बज रहे हैं ना, 9:30-10 बजे देखेंगे ना, हमको जगह नहीं मिलने वाला, फुल भर जाएगा पूरा। हाँ, पूरा भरेगा सब। ये क्या है भैया लेफ्ट? ये तो अपार्टमेंट बन रहा है एक। अच्छा, ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे बनाया है। फ्रंट फेसिंग यहाँ का बहुत प्यारा दिया है, हर चीज का फ्रंट फेसिंग बहुत प्यारा। नहीं नहीं, यहाँ पे कैसा है, सब पैलेस वगैरह सब कुछ वैसे है ना, थोड़े अलग डिफरेंट, हेरिटेज जैसा ही कुछ दिया जाता है, बनाते भी वैसे ही कि ये थोड़ा बिल्डिंग ऐसा लगे कि ये थोड़ा हिस्टोरिकल है। राइट, टूरिस्ट आए तो उनके लिए अट्रैक्टिव है। एग्जैक्टली गाइस, अभी हम प्रसाद खाने जा रहे हैं और अंकल जी हमें प्रसाद देंगे। यहाँ पे पूजा हो गई है, देख सकते हो अंकल जी आते हैं। ये पूजा हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का कल्चर मुझे। गाइस, मैं अभी जस्ट हॉस्टल पे पहुंचा हूं बाहर से, और यहां पे सारे स्टाफ हैं गो स्टाफ के, तो सबको मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। और कैसा आप लोगों को कितना साल हो गया यहां पे एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम यहां पे दिवाली मना रहे हो कि हर साल आप लोग? हर साल यहां पे आपको दिवाली में अगर आप घर से बाहर हो तो गो स्टॉप पे आ सकते हो, कोई भी इसके प्रॉपर्टी पे ये दिवाली सेलिब्रेशन होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहां पे, जैसा ऐसा नहीं लग रहा कि फैमिली में नहीं है, घर पे नहीं है, ऐसे फैमिली हैं सब लोग मेरे, भाई जो भी हैं छोटे। और ये MS, ये माहौल कहीं नहीं मिलेगा। तो वंस अगेन हैप्पी दिवाली, और मेरे YouTube फैमिली को भी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।
आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो एडिट कर रहा था मैं, ये लास्ट पार्ट है। और जयपुर में काफ़ी अच्छे अच्छे जगह मिले मुझे, और जल्दी आगे वीडियो में आपको मिलेंगे। और फिलहाल हैप्पी दिवाली वंस अगेन मेरे YouTube फैमिली है, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।